नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओकिनावा प्रेस प्रो के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन ये जो है 2023 का न्यू वेरिएंट है, जो पहले वाला था उसमें और इसके अंदर जो है कुछ एक चेंजेस किए गए हैं कंपनी ने, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके लिए ये सही है नहीं है, क्या कमियां हैं क्या खूबियां हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के घंटे को दबा देना। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चाबी से, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की जो है चाबी मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक और यहाँ से एक जो बीच वाला जो बटन है उसको डबल प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। वापस से इसके अनलॉक को प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। तो अब एक बार मैं इसके अंदर चाबी लगा देता हूँ, फिर बात करते हैं। अब इसका अगर फ्रंट लुक अपन यहाँ से देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह का जो है आपको फ्रंट लुक देखने को मिलेगा। पहले वाला और अब वाला दोनों सेम है, फ्रंट लुक में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं सामने की तरफ, आपको यहाँ पे जो है ड्यूअल LED लाइट यहाँ पे मिल जाती है, DRL कुछ इस तरह की जो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है ओकिनावा की बैजिंग मिल जाती है। नीचे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 12 इंचेस का टायर मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल है 90/90 12 का प्रोफाइल। और यहाँ पे अगर इसमें जो है एलॉयज की बात करते हैं तो कुछ इस तरह के डायमंड कट के अंदर काफी शानदार लुकिंग में जो है एलॉयज दिए गए हैं, जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में बहुत यहाँ पे डैशिंग लुक इसका देखने को मिल रहा है। और आगे इसके अंदर जो आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है और साइड इंडिकेटर यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर है ये। ऊपर हेड की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको काफी स्पोर्टी सा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक्टिवा से कुछ हद तक मैच करता है। यहाँ पे इंडिकेटर कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के इसके अंदर जो आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके जो यहाँ पे ब्रेक हैंडल वगैरह है ये जो है स्टील के मिलते हैं और यहाँ से जो है इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये काफी अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है। बहुत कम इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे हैं मैंने जिनके अंदर जो है ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। और अगर इसके इस कलर की बात करते हैं ना, तो यार इसको सीफोम ग्रीन ऐसा कुछ बोलते हैं, सीफोम मैट ग्रीन ऐसे कुछ बोलते हैं, बट इसका जो कंफर्म है कौन सा ये कलर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो जो है बोलने में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। साइड लुक इसका अगर ओवरऑल यहाँ पे देखते तो यहाँ पे जो आपको प्रेस प्रो की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे इसके अंदर जो आपको साइड स्टैंड सेंसर भी मिल जाता है। और इसके अंदर जो है आपको यार कंपनी वाले बड़ी कंजूसाई करते हैं इसके अंदर ना, यहाँ पे जो है आपको अलग से फुटरेस्ट नहीं मिलता है, इसको जो है थोड़ा सा बाहर निकाल के इसी को फुटरेस्ट बना दिया भाई। इसके अंदर ना पीछे बैठते तब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, हालांकि पैर वगैरह रखने में। और यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट कुछ इस तरह का दे रखा है, जो कि थोड़ा साइज में छोटा है औरों के कंपैरिजन में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसकी जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो है बिल्कुल पतले से इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह के। नीचे आपको नंबर प्लेट स्पेस मिल जाता है। और इसके अंदर जो अगर मोटर वगैरह की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको हब मोटर देखने को मिल जाती है। डिजाइन इसका लुक बहुत अच्छा है, यहाँ से आप देखेंगे तो जो है सिल्वर और ब्लैक कलर के अंदर काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पे ये देख रहे हो आप फ्लैग के जैसे जो इंडियन फ्लैग आता है उसके अंदर जो सर्कल आता है ना, कुछ उस तरह की डिजाइन दे रखी है भाई। इसकी डिजाइन बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर। और इसके मोटर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है 1000 वोल्ट पावर की मोटर आती है। यहाँ पे जो पीछे वाला टायर प्रोफाइल है वो भी आपको 12 इंच का मिल जाता है। सीएट के टायर इसके अंदर ऑफर किए गए हैं और इसका भी जो टायर प्रोफाइल है वो 90/90 12 का है। यहाँ पे अगर इसके ग्रिप हैंडल की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह की डिजाइन दे रखी है। सीट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, दो लोग आराम से इसके ऊपर जो है बैठ सकते हैं। और इसके अंदर अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसको यहाँ से ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो भैया इसके अंदर जो है आपको सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो है इसका बूट स्पेस, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे जो है इसका बैटरी सेटअप दिया गया है, इसकी वजह से जो है इसमें स्पेस बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर आप जो है इसमें हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। तो ये इसका जो है एक सबसे बड़ी कमी बोल सकते हैं कि यार इसके अंदर जो है ना स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो इसका मेन स्विच आपको मिल जाता है, और एक बार मैं आपकी बैटरी को जो है खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसकी बैटरी आती है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जो है 72 वोल्ट और 30 AH की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। और ये जो बैटरी है आपको रिमूवेबल भी मिलती है, इसको जो आप यहाँ से इसको बाहर निकाल के अगर इसे जो आप घर पे अगर आपका चार्जर जो है बोर्ड वगैरह थोड़ा दूर है तो यहाँ से आप इसको निकाल के भी इसको जो है अलग से चार्ज लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर इसके अंदर दिया गया है। वापस से मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से जो है कुछ इस तरह से लॉक हो जाता है। अब अगर मैं इसके जो है लेगरूम स्पेस की बात करूँ, यहाँ पे जो इसका फुटबोर्ड बना हुआ है ये काफी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो यहाँ से लंबाई है ना वो बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे कि इसके ऊपर बैठने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत कंफर्टेबली इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं कुछ इस तरीके से। काफी स्पेस यहाँ पे जो है मिल जाता है, जिससे कि इसको चलाने में स्मूथ ड्राइविंग आपको मिलती है। और अगर पहले वाली जो प्रेस प्रो थी उसकी बात करें तो यहाँ पे जो इसका फुटबोर्ड था वो थोड़ा ऊपर था, अगर जैसे मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, पहले अगर जब इसके ऊपर बैठते थे ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हैंडल के पास में पैर आते थे, लेकिन अब जो है पैर नीचे की तरफ जाते हैं,
तो इसके अंदर जो है थोड़ा चेंज किया गया है, फुटबोर्ड को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है जिससे कि बैठने में और भी कंफर्टेबल ये हो गया है। और यहाँ पे आते हैं तो इसके अंदर आपको छोटे से स्पेस भी मिल जाते हैं। अब अगर इसमें फीचर्स की बात करते हैं तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ इस तरह की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है पहले वाले के अंदर, और इसमें जो है डिस्प्ले में थोड़ा चेंज किया गया है। तो एक बार इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लुक है वैसे इसका काफी स्मार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं हैंडल की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है। यहाँ से जो इसके पार्किंग मोड को ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है, की मिल जाती है। यहाँ से जो है इसका इको और स्पोर्ट्स मोड हम चेंज कर सकते हैं। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो आपको अपर और डिपर के लिए की मिल जाती है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर पहले जो इसकी डिस्प्ले आती थी ना उसके अंदर इतना ये सब नहीं मिलता था, उसमें जो है वोल्टेज शो करता था, लेकिन अब इसके अंदर जो है आपको बैटरी परसेंटेज शो करता है। यहाँ पे जो स्पीड शो करता है, और यहाँ पे जो है इसका ऑडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे ट्रिप मिल जाती है, और यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, और यहाँ पे इसके अंदर जो मोड वगैरह वो शो करता है। ऊपर आपको ओकिनावा की बैजिंग मिल जाती है। इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है एक्चुअल वो बताता है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है इसकी टॉप स्पीड है वो अप्रोक्स 60+ है। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर, और अगर इको मोड के अंदर बात करते हैं तो इसकी स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ। इको मोड के अंदर अप्रोक्स 45+ यानी कि 48 की इसकी स्पीड है। अभी मैं इसको खड़ी करके जब निकाल ऐसे इसकी जो स्पीड चेक कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी 1-2 की स्पीड आपको ज़्यादा बताता है। एक्चुअल अगर निकालेंगे तो अप्रोक्स 45 के आसपास आएगी, और स्पोर्ट्स मोड में निकालेंगे तो अप्रोक्स 60 के आसपास आएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं अभी जो है मैंने पहले मिस कर दी आपको बताना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है इसके अंदर जो है अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी आ गया है। वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो है एक ऐप आता है ट्रोन टेक के नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसके अंदर जो आप जैसे ही डिस्प्ले ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह की जो आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। और इसके अंदर जो आप सर्चिंग का ऑप्शन आता है, इसकी जो बैटरी है उसके अंदर ब्लूटूथ लगाया गया है, तो जैसे उसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है इसका बैटरी परसेंटेज होगा। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे अभी जो इसकी बैटरी है वो 90% है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो 90% शो कर रहा है। और यहाँ पे इसके अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं, जैसे इसके अंदर टोटल जो है 20 सेल लगे हुए हैं, तो अगर किसी भी सेल में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस सेल ये इसका कोई सेल खराब हो गया है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, हाई टेम्परेचर हो गया है, वो सब कुछ जो है यहाँ पे बैटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जब आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है रियल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे जो आपकी बैटरी वगैरह की सारी हेल्थ वगैरह सब कुछ जो है आपके पास आपके मोबाइल में होगी। अब बात करते हैं सबसे मेन बात, वो है कि भैया ये देती कितना है रेंज। भैया रेंज, तो रेंज की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपको 80 किलोमीटर की इको मोड के अंदर मिलती है, और जो है 100 किलोमीटर की मिलती है वो स्पोर्ट्स मोड के अंदर मिलती है, और इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर की मिलती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। तो उस सिचुएशन में जो आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और अगर इको मोड में चलाते हैं तो आपको जो है 80 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है। और अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी ऑन रोड प्राइस जो है 1,10,000 रुपए ऑन रोड इसकी प्राइस है। मैं फिलहाल जयपुर से हूँ तो यहाँ पे इसकी प्राइस 1,10,000 रुपए है। सो गाइज, आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो सब्सक्राइब बटन को और जो बेल आइकन का बटन है उसको अभी के अभी ठोक देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।